फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, इसके पहले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और यूपी लेखपाल और ग्रामीण अन्न विकास के संबंधित जानकारियों का ये वीडियो जो है आपको ऊपर राइट बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो कई छात्रों के बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये फिर से हमने सीरीज चालू की है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, जानकारी के साथ साथ आपको हम एक स्टोरी बताते हैं लास्ट में, वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक मोटिवेशनल वीडियो आप जो ये स्टोरी होगी आपको बहुत ही इंस्पायरिंग लगेगी। आप इसके जो कि आप सुन करके आपको बहुत मोटिवेट हो सकते हैं आप, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि हम जो भी बात करें आपको समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आशा करते हैं आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी और तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो हमने बात किया था कि सेंटीमीटर या जरीब क्या होता है, ये इसके बारे में बात किया था, ठीक है। लेकिन जरीब के पहले अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरलांग क्या होता है। फरलांग यानी अगर हम बात करें सबसे पहले फरलांग की, देखिए ये क्या होता है, ठीक है। फरलांग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंच के बारे में बताया था हमने, इंच क्या होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं एक इंच में, तो ये आप जानते होंगे 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके पहले हमने ये भी बात किया था कि फीट, यानी इसको हम हिंदी में फुट कहते हैं, तो फुट क्या होता है, इसमें कितने इंच होते हैं। इसी प्रकार हमने यार्ड के बारे में बात किया था, यार्ड यानी गज के बारे में बात किया था, ठीक है। और बात किया था कि जरीब, इसको जरीब कहते हैं, इसको चैन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, चैन, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया था और ये आता है आपका फरलांग, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इंच कितना होता है, एक फीट में कितना होता है, 12 इंच होते हैं, ठीक। और गज की बात करते हैं तो एक गज में कितना फीट होता है, ये 3 होता है, यानी 12 यानी 36, इसको हम कह सकते हैं 36 इंच भी कह सकते हैं, ठीक। और ये कितना होता है, 3 फीट होता है, ठीक। चैन की बात करें तो चैन में क्या होता है, ये होता है आपका 22 गज का, और यहीं पे अगर 66 फुट का भी होता है, ठीक है। ये सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं फरलांग की, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरलांग की। तो फरलांग क्या होता है, इसके पहले जानिए कि यह होता है 10 चैन के बराबर। 10 चैन का मतलब हो गया आपका 10 जरीब, एक फरलांग होता है आपका 10 जरीब के बराबर, ठीक है। तो ये पिछला वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको हम बदलें किसके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक फरलांग बराबर आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 चैन। चैन को आप क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। यानी एक जरीब की बात करें तो एक जरीब बराबर होता है 22 गज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका 10 गुणित एक चैन की जगह, यानी चैन बराबर कितना होता है, 22 गज। यानी इस चैन की जगह जहाँ चैन है वो हम क्या लिख सकते हैं, 22, यानी यहाँ पे गुणा कर देंगे किसका, 22 का। तो 22 का कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गज में बदल जाएगा, यानी ये गज में बदल गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 220 गज। यानी एक फरलांग बराबर होता है आपका 220 गज, ठीक है। अब ये गज में बदल गया, अगर आप गज को बदलना चाहें, देखिए फीट में बदलना चाहें, या ठीक है फीट में बदल देते हैं, तो देखिए फीट में बदलेंगे तो एक फीट में, एक गज में कितना फीट होता है, एक फीट में अगर हम बात करें, देखिए ये फरलांग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2200 गुणित एक गज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक गज की वैल्यू है 3 फीट या 36 इंच, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो इसमें किस में बदल जाएगा, ये फ्रेंड्स बदल जाएगा आपका फीट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी ये आपका आ गया 66 फीट। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस 66 यानी 666 जो दिया गया है, इसको हम इंच में बदल दें, इंच में बदल दें, यानी एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। अगर इसका हम 12 से क्या करें, 660 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इंच में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 66 गुणित, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अगर अब किस में बदल गया, ये इंच में। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, 12 6 72 के 2 हो जाएगा, 12 6 72 और कितना हो जाएगा, 7 7 9, यानी ये आ गया आपका, ये किस में बदल गया, इंच में। तो यानी आप एक फलांग को इस कितने यूनिट, 1 यूनिट 2 3 4 5, यानी 4-5 यूनिटों में आप आसानी से बदल कर सकते हैं। अब इनको देखिए, इंच को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं, ये आसान भाषा, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंच को बदलेंगे तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इंच की जगह यहाँ क्या कर देंगे, 2.45 सेंटीमीटर से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो आसानी से आप बदल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले ये आपको अगर बेसिक पता है तो आप यहाँ से आसानी से इस सभी वैल्यू को, अगर आपको पता है तो ये आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि अगर हम पूछ लेते हैं 220 गज में कितने फरलांग, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, फरलांग पूछ रहा हूँ, ये होमवर्क तौर है। ठीक है, 220 गज में कितने फरलांग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप बताइएगा। ठीक है, इसको बहुत सिंपल सा मैंने पूछ लिया है, आशा करते हैं ये बात आपको पसंद आई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और हमने बात किया था कि एक स्टोरी की बात किया था, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, तो स्टोरी क्या है देखते हैं। एक जीव विज्ञान के अध्यापक थे और कक्षा में पढ़ा रहे थे छात्रों को, तभी एक सूढ़ी का सूढ़ी पड़ी हुई थी, उसी क्लास में सूढ़ी पड़ी हुई थी, जिससे क्या होता है, तितली निकलती है, सूढ़ी को फोड़ करके ही उसके अंदर सूढ़ी इस प्रकार की अगर देखें तो क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे इसके अंदर पड़ी, ठीक है, तो सूढ़ी थी तो खोल के अंदर थी, तो उन्होंने कहा कि छात्रों से, जो वहाँ छात्र बैठे थे, बोले कि बेटा लोग ये सूढ़ी है, अभी कुछ समय बाद ये अपने खोल को तोड़कर एक तितली निकलेगी, ठीक है, तो इसके खोल को जो है आप हेल्प मत करिएगा, इसको जो कि अगर किसी प्रकार का हेल्प मत करना इसका, और वो क्या कि चले गए बाहर, क्लास से बाहर चले गए। तो छात्र बैठे रहे, देखते रहे कि तभी तितली जो है कि उसमें से निकलने का प्रयास करने लगी, यानी खोल को, जो खोल था उसको तोड़ के निकलने के प्रयास कर रही थी। तो वहाँ बैठे सभी छात्रों ने सोचा कि यार ये छोटा सा जीव है, कितना परेशान हो रहा है, इसका हेल्प कर देते हैं, इसके खोल को तोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगी। तो ये सब सोच करके छात्रों ने क्या कर दिया, उसके खोल को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, तो खोल से तो जो तितली थी वो आसानी से निकल गई, ठीक है, निकल गई, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि तितली मर गई। जब मर गई तो सभी बैठे थे छात्र, तो टीचर आए वापस, वो जो अध्यापक थे वापस आए क्लास में, देखा तो क्या हुआ था कि तितली पड़ी हुई थी, मरी हुई। उन्होंने कहा कि ये कैसे मर गई, तो छात्रों ने बताया कि सर ये निकलने का प्रयास कर रही थी खोल से और निकल नहीं पा रही थी, तो हम लोगों के ऊपर दया आ गई इसके ऊपर कि यार ये छोटा सा जीव है, मर जाएगा, इससे इसका खोल तोड़ देते हैं। तो टीचर ने कहा कि जो तुमने तोड़ दिया उसका खोल, इसी की वजह से तो ये मर गई, अगर इसका खोल अपने आप वो तोड़ी होती हो तो तोड़ के निकलती तो वो निश्चित रूप से ना मरती, क्योंकि खोल तोड़ने के बाद जो है कि वो जो संघर्ष कर रही थी खोल से निकलने का, उससे वो क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, तो उसके जो संघर्ष करने से ही उसके पंखों में ताकत, उसकी बॉडी में ताकत, यानी संघर्ष करने से उसको एक प्रकार से ताकत मिल रही थी, जिससे वो अपने वातावरण में आके अपने पंखों के माध्यम से उड़ जाती, यानी वो मजबूत हो रही थी। लेकिन आपने उसको तोड़कर उसको संघर्ष करने से ही रोक दिया, संघर्ष कर ही नहीं पाई, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से वो मर गई। फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या मोटिवेशनल मिला, यानी ऐसा ही हमारे साथ ही होता है, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, जो कि कोई काम करना होता है तो उनका हेल्प करते रहते हैं, बार बार हेल्प करें ठीक है, लेकिन कुछ काम जो होते हैं उनको करने दें, ताकि उनको भी सीख मिले। और जिसको हम चाहते बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारा पुत्र है, तो वो ये काम ना करे, तो वो है वो काम करने से रुक जाता है, यानी जो काम उनको करना चाहिए वो आप स्वयं करवा देते हो किसी से, तो उनको वो ज्ञान नहीं मिल पाता है, ठीक है।
जिनको हम ज़्यादा बहुत चाहते हैं उनको काम करने से रोकते हैं, उनको कहीं अगर जाना है या कहीं कुछ करना है तो उनका हेल्प हमेशा करते रहते हैं। हेल्प करें बट उनको कुछ काम स्वयं करने दें उनको, ताकि उनको भी सीख मिले, वो अपने काम के बल पे कुछ सीखें जिसकी मदद से वो आगे दुनिया में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, संघर्ष के ही दौरान जो कि बहुत बड़े जितने भी लोग हुए हैं संघर्ष करके ही यानी मुकाम को हासिल किया है। तो संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, यानी आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं तो बिना संघर्ष कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो उस सूढ़ी के माध्यम से आपको ये छोटी सी कहानी से माध्यम से अपना पता चल गया होगा। तो ऐसा करते हैं, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।